I was about to die. So hey guys, welcome back to Yashant the Show. Hope you all guys are doing well, because I am not. But still, I hope you guys are doing well. And today, आज मैं आपको बताने वाला हूँ the deadly story of me, जहाँ पे मैं मरते मरते बचा हूँ. So 20 February 2023 was the day when I got my bike, the Yamaha Fazer, जिसका मैं दीवाना हूँ. जो bike मुझे हमेशा like motivate करती थी कि yes we are going to do something even better, मैंने वो bike 20 February 2023 को खरीदी थी. एंड जिस दिन मैंने वो बाइक खरीदी थी, एक्साइटेड में मैं उस बाइक को लेके गिर गया एंड मेरे राइट पैर पे चोट लग गई एंड इट वाज ब्लीडिंग, क्योंकि वो पूरा एरिया घिस चुका था. बट आई डिडंट टोल्ड एनीवन, बिकॉज मैंने बोला मेरी तो गलती है भाई, इट इज़ माय बाइक, मैंने ज़्यादा भगा दी होगी शायद. एंड वो मैं यू टर्न के लेते टाइम गिरा था, बिकॉज ऑब्वियसली बाइक थी तो स्किट हो गई. एंड कट टू 20 February 2024, जब मैं ऑफिस से, नाइट शिफ्ट थी मेरी, तो 11:30 मेरा लॉग इन था नाइट में. 19 February का 11:30 लॉग इन था और 20 February सुबह मॉर्निंग 8:30 लॉग आउट हो चुका था. एंड मैं निकला लाइक घर के लिए. एंड मैंने दो दिन पहले ही बाइक की पूरी सर्विसिंग कराई थी, बिकॉज बाइक में ब्रेक व्रेक का थोड़ा इशू था, जो कि फिक्स हो चुका था. बाइक वॉज इन परफेक्ट कंडीशन. मैं निकला ऑफिस से घर के लिए और आई वॉज नॉट इवन 1 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम. सडनली एक ऑटो वाला आया और जिस हिसाब से वो निकला ना मेरे साइड से, उसके ऑटो के अंदर मेरा बाइक का हैंडल फंस चुका था एंड मैं उसके साथ जा रहा हूँ. इन बिटवीन वो अलग हो गया, मैं मेरी ये 150 किलो की बाइक को लेके हवे में, उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था. उस टाइम मेरे दिमाग में बस यही दिख रहा था कि मैं बाइक को लेके हवे में, वो बाइक 150 किलो की है गाइस, 150 kg. और सडनली जो पहले इंटैक्ट हुआ मेरा, तो पहले मेरा सर लगा ग्राउंड पे एंड थैंक गॉड यार, इसलिए कहता हूँ गाइस, सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट. मैंने हेलमेट पहना था, वरना जो मेरा ये आधा पार्ट दिख रहा है, आई वॉज अबाउट टू डेथ. बिकॉज अगर सर पे डायरेक्ट लगता और वो गाड़ी भी मेरे ऊपर है, तो समझ सकते हो कितना कितना ज़्यादा प्रेशर आया होगा. और मैं घिसते हुए गया जिस हिसाब से, आई विल शो यू व्हाट इट डिड टू मी. तो ये जो एरिया है पूरा, अभी तो थोड़ा भर चुका है लेकिन पूरा लाल था, थोड़ा सा यहाँ भी लगा है जो भर चुका है. ये देख लो भाई, पूरे फोन का चकना चूर हो चुका है यहाँ से और यहाँ पूरी लाइन्स आ चुकी हैं. अब इस फ़ोन का फेस अनलॉक तो काम नहीं कर रहा है एंड किस्मत भी बोलो यार, मेरी ऊपर का टेम्पर ग्लास नहीं फूटा बट अंदर का ग्लास चकनाचूर हो गया. घर पे भी थोड़ी है, थोड़ी बहुत स्क्रैच लग गया. एंड मेरा आईफोन, मैं बोल रहा हूँ गाइस, मेरी किस्मत इतनी बेकार है. इसको मैंने दिसंबर में लिया एंड इट इज़ जस्ट फेब्रवरी और इसका जो टॉप का पार्ट होता है ना, वो क्रैक हो चुका है. सो आई डोंट नो हाउ, बट इसका फ्रंट कैमरा वर्किंग है बट इसका जो फेस अनलॉक सेंसर होता है वो काम नहीं कर रहा है एंड आई हैव टू रिमूव फेस अनलॉक, बिकॉज हर बार मुझे फेस अनलॉक यूज़ करने का टाइम आता नहीं था एंड आई हैव सेट पासवर्ड. तो गाइस मैं तो टूटा ही टूटा, मेरा फ़ोन भी टूटा, मेरी बाइक भी टूटी. तो द बेस्ट थिंग आई कैन से इज़, अब मुझे ये बाइक ज़्यादा दिन रखनी नहीं चाहिए, बिकॉज इसको जिस दिन लिया उस दिन भी गिरा, जिस दिन इसके साथ मेरा 1 ईयर कंप्लीट हुआ उस दिन भी गिरा. एंड जब मैं गिरा तो मेरी स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी, 30-40-50 होगी, मैक्स टू मैक्स 50, बिकॉज उस टाइम मेरी गाड़ी के आगे 2-3 गाड़ियाँ थी तो मैं आराम से चला रहा था, बिकॉज मुझे मालूम था मेरा घर आ भी गया था. बट गाइस किस्मत इतनी बेकार चीज़ होती है. सो दिस वॉज माई नियर डेथ एक्सपीरियंस विद दिस बाइक एंड आई डोंट नो हाउ, बट आई स्टिल मैनेज टू गेट अप फ्रॉम दैट प्लेस, बिकॉज मैं गिरते ही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बाइक मेरे ऊपर थी एंड आई वॉज नॉट एबल टू मूव एज वेल. तो अगल बगल के लोग आए, थैंक गॉड कि मेरा नाइट का 2:30 शिफ्ट नहीं था, वरना आई हैड नो वन टू कम. मैं वहीं पढ़ा रहा था आधा एक घंटा, जब मुझ में हिम्मत आती मैं खुद उठता, बिकॉज वो बाइक गाइस 150 kg, मुझे उस टाइम मालूम पड़ा जब वो मेरे पैर के ऊपर थी. एंड आई एम टेलिंग यू, मैं उस वक्त
लाइक दर्द नहीं हो रहा था, बट आई न्यू कि मेरे मुझे बहुत जगह लगी है। मैं जाके बैठ गया एक जगह, जब मुझे ऐसा लगा कि आई कैन गो टू होम बिकॉज मेरा घर नज़दीक था भाई, आई वॉज नॉट इवन अ किलोमीटर फार। आ गया घर पे, आ गया बाइक लगाई, ऊपर आके मम्मी को बोलते, मम्मी परेशान, हर जगह बात चलेगी कि ऐसा ऐसा हुआ है। सो इवन मुझे बोला भी गया है कि द ईयर इज़ नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज बोलते ना गाइस, जब जिसको जो होना है वो होगा ही। मैंने गाड़ी को 120 भी भगाया, मैं मुझे कुछ नहीं हुआ, बट 30-40 की स्पीड में गिर गया मैं, एंड थैंक गॉड कि आई एम स्टिल हियर। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से यू नेवर सेक्रीफाइस ऑन योर सेफ्टी। मेरा पैर भी बच जाता इफ़ आई वुड हैव वोर फुल शूज, जो कि हाई शूज आते हैं ना, वो अगर पहना होता, बट अब सपना तो था नहीं। तो स्टिल आई वुड टेल यू कि ऑलवेज वेयर हेलमेट इफ यू आर गोइंग आउट, ऑलवेज वेयर हेलमेट, एंड नॉट इवन जस्ट द राइडर, जो भी गाड़ी में बैठ रहा है, आगे बैठो पीछे बैठो, हेलमेट लगा के बैठो। एंड सून टू बी आई थिंक आई विल सेल दिस बाइक, एंड आई डोंट नो वॉट आई विल डू फॉर नाउ, बट यस दिस इज वॉट आई हैव टू डू। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। तो please like this video and comment down below what are your thoughts and what are your experiences. I will end this video for now. So hope you all guys have got some information, and also see you soon in the next video. Bye bye, take care, stay safe, stay healthy, see you soon. Stay safe, stay healthy, wear your helmet whenever you go out.